हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर 1 to 6 ऑफ चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को समझेंगे और उन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि इनमें से किसको हम बीटन कर सकते हैं और उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मेटल्स के अंदर पाई जाती है। सो इन ऑप्शंस में से स्टूडेंट जो जिंक है वो एक मेटल है, बाकी सभी नॉन मेटल्स हैं। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर हुआ जिंक, क्योंकि जिंक को बीटन करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर डक्टिल, कि सभी मेटल्स डक्टिल हैं। नॉन मेटल्स आर डक्टिल, कि सभी नॉन मेटल्स डक्टिल हैं। नॉन मेटल के अंदर तो स्टूडेंट्स डक्टिल की प्रॉपर्टी होती नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह से रॉन्ग है, कम्प्लीटली रॉन्ग। जनरली मेटल्स आर डक्टिल, कि जनरली स्टूडेंट्स मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो डक्टिल है। सो स्टूडेंट्स सी ऑप्शन हमें राइट लग रहा है। डी ऑप्शन क्या है, सम नॉन मेटल्स आर डक्टिल, जबकि नॉन मेटल्स तो डक्टिल होती ही नहीं। तो फर्स्ट एंड सी ऑप्शन में से सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जनरली मेटल्स आर डक्टिल, क्योंकि ऑल मेटल्स डक्टिल नहीं होती स्टूडेंट्स। कुछ मेटल एग्जेम्पशन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम सॉफ्ट हैं, उनमें डक्टिल की प्रॉपर्टी नहीं है। मरकरी लिक्विड स्टेट में है, उसमें भी डक्टिल की प्रॉपर्टी नहीं है। सो स्टूडेंट्स ओनली सी ऑप्शन इज ए राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फास्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल, कि स्टूडेंट्स फास्फोरस से वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बिकॉज इट वेरी रिएक्टिव इन एयर, इसीलिए स्टूडेंट फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है, एयर में यह आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट, कि मेटल हीट के किस टाइप के कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड और किसके गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है, आयरन इज ए डैश रिएक्टिव देन कॉपर, कि आयरन को अगर कॉपर से कंपेयर करें स्टूडेंट्स तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैसेज, कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स, कि ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट को हमें समझ कर लर्न करना है, ताकि हमें ये पता रहे कि वह है स्टेटमेंट फॉल्स क्यों बनी। कि जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कि नॉन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए बताया गया स्टूडेंट, जबकि मेटल्स जनरली रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, नॉन मेटल का एसिड के साथ नो रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, कि सोडियम स्टूडेंट्स बहुत रिएक्टिव मेटल है, कि ट्रू स्टेटमेंट है कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कि कॉपर को जिंक में डिस्प्लेस होते हुए बताया गया है, कि कॉपर डिस्प्लेस जिंक,
बट फ्रेंड्स अगर कॉपर एंड जिंक को कंपेयर करें तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। सो फ्रेंड्स कॉपर कभी भी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिंक में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका अपोजिट होता तो ठीक हो जाती स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या हमारी फाल्स है। अगर ये कहते हैं कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर तब ये स्टेटमेंट राइट हो जाती, क्योंकि स्टूडेंट्स मोर रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल में चेंज हो सकती है। कोल कैन बी ड्रान इनटू वायर्स, कि कोल को ड्रान करके वायर में चेंज कर सकते हैं, जबकि स्टूडेंट्स हमें पता है कोल क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के वायर ड्रान नहीं किए जा सकते। सो स्टूडेंट्स हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। कि स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस में एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं। डिस्टिंगाइज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, डिस्टिंगाइज यानी डिफरेंस किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्टिंगाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी के बेस पर जो हमें क्वेश्चंस में टेबल में दी जाएंगी उनके बेस पर हमें मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्टिंगाइज यानी डिफरेंस बताना है। सो स्टूडेंट्स टेबल में जो प्रॉपर्टी का कॉलम है वो हमें क्वेश्चंस में दिया मिलेगा। इन प्रॉपर्टी के बेस पर हमें मेटल एंड नॉन मेटल के कॉलम को फिल करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी दिखाई देने में मेटल्स क्या होती हैं, शाइनी, नॉन मेटल डल, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी दी गई है हार्डनेस, हार्डनेस प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल वेरी हार्ड, नॉन मेटल नॉट वेरी हार्ड। मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, नॉन मेटल्स से नॉन मेलाबल, कि उनमें नॉन मेलाबल की प्रॉपर्टी है यानी मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे नॉन मेलाबल कहेंगे नॉन मेटल्स को। ठीक इसी तरह से डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, कि मेटल्स को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के बेस पर कैन बी ड्रान इनटू वायर्स, जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टिल होती हैं। नेक्स्ट है हीट कंडक्शन के बेस पर क्या कहेंगे, मेटल्स को गुड कंडक्टर हैं हीट के एंड नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होती हैं हीट की। लास्ट स्टूडेंट्स कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है यानी उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो मेटल्स में गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, उसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इसलिए वो पुअर कंडक्टर हैं। सो स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टी के बेस पर इस तरह से हमें मेटल्स नॉन मेटल्स में डिस्टिंगाइज यानी डिफरेंस शो करना था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कि हमें इनके लिए रीज़न बताना है कि एल्यूमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स, कि एल्यूमिनियम फॉयल का यूज क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे कि हम फूड को रैप करने में एल्यूमिनियम फॉयल का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम इज ए लेस रिएक्टिव मेटल, कि एल्यूमिनियम कैसी मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल। इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स, कि यह हमारे फूड के साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करती। मोर ओवर यानी इसके अलावा एल्यूमिनियम इज ए हाईली मेलाबल, हाईली मेलाबल यानी इसके अंदर मेलाबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड कैन बी मेड इंटू वेरी थिन फॉइल्स, इसी वजह से स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम के बहुत ही पतले वेरी थिन फॉयल से वेरी थिन सीट से बनाई जा सकती हैं, विच आर परफेक्ट फॉर रैपिंग फूड, जो कि फूड को रैप करने में पूरी तरह से ठीक रहती हैं। सो स्टूडेंट्स ये था रीज़न कि एल्यूमिनियम फॉयल
को फूड रैप में, फूड आइटम्स को रैप करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इमर्शन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स, कि लिक्विड्स को गर्म करने के लिए जो इमर्शन रोड यूज की जाती हैं आर मेड अप ऑफ ए मेटलिक सब्सटेंसेज, वो मेटल के सब्सटेंस की क्यों बनाई जाती हैं? इसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट, मेटल हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स हैं मेटल। सो इमर्शन रोड्स आर मेड अप ऑफ ए मेटलिक सब्सटेंसेज, इसीलिए स्टूडेंट्स इमर्शन रोड को जिससे हम लिक्विड गर्म करते हैं, जैसे विंटर सीजन में जो रोड होती हैं या गीजर के अंदर रोड लगी होती है उसी को मेटलिक रोड कहा गया, इमर्शन रोड कहा गया है। वो मेटल की बनी होती है, ज़्यादातर वो कॉपर की बनी होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी मेटल्स के में कॉपर जो है सबसे वेरी गुड कंडक्टर होता है, सबसे अधिक उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट वेरी इजली ट्रांसफ़र हो जाती है, इसीलिए स्टूडेंट्स इमर्सन रोड मेटलिक सब्सटेंस की बनी होती हैं। नेक्स्ट है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, कि कॉपर जिंक में डिस्प्लेस नहीं हो सकता फ्रॉम इट से साल्ट सॉल्यूशन, कि जिंक के साल्ट सॉल्यूशन के साथ यानी जिंक सल्फेट के साथ जब हम कॉपर को मिक्स करते हैं तब स्टूडेंट्स कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। इसका क्या रीजन है स्टूडेंट्स? से कि कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक, और स्टूडेंट्स लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव में चेंज यानी डिस्प्लेस नहीं हो सकती। सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स ए साल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, कि स्टूडेंट्स सोडियम एंड पोटासियम को केरोसिन में स्टोर करके क्यों रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में सोडियम पोटेशियम को रखा जाता है स्टूडेंट्स, इनको ना तो एयर में खुला छोड़ते ना ही वाटर में डाल के रखते, कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, दे रिएक्ट विग्रोसली विद एयर एंड वाटर, कि दोनों के साथ ही बड़ी तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, और सच दैट इट मे इवन कॉज ए फायर, और बड़ी तेज़ी से आग पकड़ लेती हैं। कि उन्हें हम सोडियम पोटेशियम को एयर में रखेंगे या वाटर में डाल के रखेंगे तो वो बड़ी तेज़ी से आग पकड़ लेती हैं, रिएक्ट करती हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद केरोसिन, लेकिन स्टूडेंट इनको अगर केरोसिन ऑयल में डाल कर रखते हैं तब ये किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करती। सो दे स्टोर्ड इन ए केरोसिन, इसीलिए स्टूडेंट इनको केरोसिन ऑयल में डालकर रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।